गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिटनेस एंड लाइफस्टाइल। मैं आपके साथ में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करने वाली हूँ। मेरी खुशी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं ये वीडियो शेयर करने के लिए। काफ़ी दिनों से धीरे धीरे करके बहुत सारी शॉपिंग की है मैंने हमारे घर पर जो बेबी आने वाला है उसके लिए। मेरी बुआ के यहाँ पर ऐसा होता है कि जिसके घर पर बेबी होता है ना, उन लोग बिफोर डिलीवरी शॉपिंग नहीं कर सकते हैं। तो सारी शॉपिंग बेबी की बुआ ने की है, क्योंकि मेरी बुआ नहीं कर सकती थी। तो वो सोचा कि मैं आपके साथ में शेयर करूँ। बहुत कंफ्यूज थी कि ये वीडियो शेयर करूँ या ना करूँ। ऑब्वियसली ये वीडियो आपको बेबी होने के बाद ही मिलने वाला है, क्योंकि मैं एडवांस में कुछ भी ऐसा रिवील नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि बस ऐसे ही मैं नहीं चाहती हूँ। तो प्रोडक्ट्स तो सब रेडी है, प्रोडक्ट्स एज इन उसके कपड़े, कंबल, टॉवल, वो बच्चे को बांधने वाला कपड़ा, नैपीज, मतलब पूरा जितना भी मैक्सिमम मैं जमा कर सकती थी। काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन ली है एंड काफ़ी चीज़ें ऑफलाइन ली है, एक एक करके शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो ये है हमारा बेबी बेड। और एक बात, हमें नहीं पता है बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, तो हमने कॉमन कलर्स लिए हैं कि you know, जो भी होगा वो अच्छे से यूज़ कर सकता है। ये बस बेसिक चीज़ें हैं जो स्टार्टिंग के ही दो चार दिन में हमको चाहिए ही चाहिए। एंड जैसे भी बेबी गर्ल बेबी बॉय होगा उसके हिसाब से हम शॉपिंग कर सकते हैं। तो यस, ये है बेड। मैं आपको इसको अच्छे से दिखाऊंगी। ये है बेड एंड इसमें आते हैं दो गोल वाले पिलो। मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है एंड क्वालिटी बहुत अच्छी आई है प्रोडक्ट की। मैं थोड़ी सी डाइसी हो रही थी ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए, बट क्या हुआ पता है, हम लोकल शॉप्स में गए थे बट कोविड की वजह से हमारे यहाँ लोकल ट्रेन वगैरह अच्छे से नहीं चल रही है। तो वो सब लोग एक ही बात बोल रहे थे कि जो माल है वो नहीं आ रहा है एंड बहुत ही पुरानी चीज़ें थी। एंड आजकल वैसे ही ऑनलाइन शॉपिंग ट्रेंडिंग है, तो मंगाया है। वॉश वगैरह नहीं किया है हमने अभी तक, क्योंकि हम इसको सन में रखने वाले, लाइक धूप से अच्छे से सेकेंगे, हम सब चीज़ वॉश नहीं करने वाले हैं। एंड ये है पीछे रखने के लिए तकिया। एंड आपको पीछे डिस्टर्बेंस की आवाज़ आ रही होगी, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, सोसाइटी में कुछ काम चालू है एंड सुबह से ही चालू है आवाज़। एंड आज मुझे ये वीडियो शूट करना ही था, क्योंकि बहुत ही जल्दी हमारे यहाँ गुड न्यूज़ आने वाली है एंड उसके लिए मुझे कभी भी भाग के जाना पड़ेगा मलाड, मेरी बुआ के यहाँ। तो सोचा शूट एंड एडिट वगैरह सब रेडी करके जाती हूँ ताकि मैं आपके साथ में शेयर करूँ। तो ये है वो गोल तकिया एंड ये छोटू सा पिलो एंड ये बेड है जो बेबी जिस पे सोएगा या सोएगी। तो ये है हमारा फर्स्ट सामान जो हमने बेबी के लिए परचेस किया था। एंड उसके बाद गई सबसे क्यूट रैबिट टाइप फीलिंग आती है इसको देख के, बहुत अमेजिंग मटेरियल। ये भी फ्लिपकार्ट से लिया है मैंने। ये है बेबी रैप, आप देख पा रहे हो इस तरह से चिप है इसमें, हम बेबी को इसमें सुला के अच्छे से रैप कर सकते हैं। अंदर भी बहुत अच्छी क्वालिटी है, सॉफ्ट मटेरियल। ये मेरा बेबी रैप है। हाँ, और एक इसके नीचे देखो पैर बने हुए हैं, ये देखो। तो इस तरह से मेरे बेबी के लेग्स में आएंगे और ये हेड के लिए। तो इस तरह का बेबी रैप है, मैं आपको प्रॉपरली दिखाऊंगी। बस छोटी छोटी चीज़ें यार, इन्हें दिखाना भी बहुत ट्रिकी है। मैंने कभी भी इस तरह का हॉल वीडियो शूट नहीं किया है, बट ये मैं चाहती थी शेयर करना, क्योंकि जब भी हमारा बेबी बड़े होकर देखेगा तो उसको पता चलना चाहिए कि बुआ सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है उसके लिए। और यस, ये है बेबी रैप एंड इसमें हमने सारे कपड़े रखे हैं बेबी के जिपर में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दो टॉवल सेट के साथ में। ये इस तरह का टॉवल सेट है, इसमें भी हेड बना हुआ है बेबी के लिए। मटेरियल वाइज तो मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, ये भी फ्लिपकार्ट का है बाय द वे। देखो इस तरह का टॉवल है, ये ग्रीनिश कलर का है। मैंने बोला मैंने कॉमन कलर्स लिए हैं। इस तरह से हम बेबी का हेड डाल के उसको रैप कर सकते हैं। टॉवल है वैसे ये, बट ये इतना अच्छा फैंसी है, क्वालिटी भी इतनी अच्छी है, सॉफ्ट कंफर्टेबल रहेगा बेबी को, कि हम लोग इसको कभी बाहर लेके जाते हैं ना छोटा मोटा डॉक्टर वॉक्टर के लिए या फिर किधर भी हमारे यहाँ आएगा या कैसे भी, तो इसमें आराम से सो के आएगा। बहुत मटीरियल ऑसम है इस तरह का। ये येलो कलर में है, सेम है ये सेम, बट इसमें पैर वैर कुछ नहीं बने हैं, ये सिंपल क्लॉथ है। उसके बाद मैंने लिया है ये उसकी
क्या बोलते हैं, लंगोटे सुखाने के लिए, क्योंकि अभी जब बेबी आएगा तो घर पे कपड़े बहुत गंदे होंगे, बार बार गंदे होंगे, राइट। तो उसको 24 आवर्स हम हगीज में नहीं रखेंगे, पैम्पर्स में नहीं रखेंगे। तो ये इस तरह से लंगोट जो ली है उसको सुखाने के लिए उसकी बुआ ने ऑलरेडी इंतज़ाम किया है कि इसमें मेरे बच्चों के चड्डी, फिर नैपीस, फिर टॉवल, फिर वो उसके हैंड ग्लव्स, टोपी वोपी, क्या क्या होता है वो सब सुखाऊंगी मैं। एंड उसके बाद में गाइस, ये है वाइट कपड़ा। ये जो कपड़ा है ना गाइस, ये जो है बेबी को जिसमें हम बांध के रखते हैं ना, उसके लिए लिया है हमने। इसकी कटिंग करवा दी है चादर करने के लिए, बट इसका पेंडिंग वर्क है। इसमें जो बॉर्डर लगेगा यहाँ पे, मम्मी वो सैम्पल पीस दो ना मुझे, इसका जो बॉर्डर है ना, यहाँ पे हम लोग लेस लगाएंगे। हम पंजाबी में फीता बोलते हैं वो लेस को, तो इससे वो फैंसी हो जाती है। मेरे पास मेरे बचपन की एक है सैम्पल, मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि ये वाइट चादर किस तरह से बनेगी हमारे बेबी को रैप करने के लिए। वो ज़ोर से बांधते हैं ना बच्चे को, उसके लिए हम यूज़ करेंगे ये वाइट क्लॉथ एंड उसमें लेस लगेगी। उसके बाद मैं चलती हूँ मेरे और एक बेबी टॉवल के पास। प्लेन टॉवल है ये, हमने इसलिए लिया है ताकि अगर वो हम लोग बाहर अंदर के लिए यूज़ करेंगे तो शावर के बाद बेबी के लिए कुछ चाहिए रहेगा। तो ये मैं ओपन नहीं करूँगी, बहुत नाइसली पैक है, बेसिक सा टॉवल है। बस इसके ऊपर भी इस तरह से हेड बना हुआ है एंड यहाँ पे प्रिंट है बेबी के लिए, बहुत अच्छी क्वालिटी है। ये मैंने ऑफलाइन परचेज किया, ठीक है। उसके बाद गाइस, सबसे 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 सुंदर चीज़ ये है हमारे बेबी का कंबल। देखो कॉमन कलर है ब्लू एंड येलो। गर्ल होगी तो भी अच्छे से यूज़ करेगी, बॉय होगा तो भी अच्छे से यूज़ करेगा। तो बहुत ही बड़ा कंबल है ये, फुल साइज़ कंबल है, मतलब बच्चे के हिसाब से का फुल साइज़ ये कंबल हमने लिया है हमारे बेबी के लिए। बहुत ही अच्छा क्वालिटी है, ये भी हमने ऑफलाइन परचेज़ किया है। जो हमें ऑफलाइन अच्छा मिल गया हमने सब ऑफलाइन ले लिया, जो हमें ऑनलाइन अच्छा मिल गया हमने सब ऑनलाइन ले लिया। इसमें भी मंकी प्रिंट है, फ्लावर्स प्रिंट है, जैसे कि आप देख पा रहे हो मंकी यहाँ है। हाँ, तो ये लिया है बुआ ने। इसके बाद चलते हैं छोटे 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 बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़ों पे। सबसे पहले जो मेन है लंगोट। हाँ, हमारे टाइम पे तो हम व्हाइट कलर की लंगोट्स यूज़ करते थे, जो मैंने ये भी परचेस की है। हाँ, और जो वाइट कपड़ा हमने लिया है ना, इसमें ही जो मतलब हमने लंगोट सिलने दी है जो वाइट प्योर कॉटन की रही, क्योंकि हमें ये वाला जो क्वालिटी है उतनी पसंद नहीं आई है। जबकि हमने इसको ऑफलाइन परचेस किया, बट हमने सोचा 4-5 ले लेते हैं, वो सिलने में टाइम लग गया या परफेक्ट नहीं हो पाया, तो एक यू नो बैकअप के लिए हमने यहाँ ऑनलाइन परचेज़ की थी। बट ये उतनी हम ऑफलाइन परचेज़ की थी, बट ये उतनी हम सेटिस्फाई नहीं थे इसकी क्वालिटी से। तो इस तरह की लंगोट है बांधने वाली, क्यूट है, कलर्स वगैरह सब। ये जो थी ये कॉटन मटेरियल की थी एंड ये हाउजरी मटेरियल में है, कलरफुल है ये, येलो, पीच, पिंक एंड ब्लू, ये दो दो है सब। बहुत सारी लंगोट लिए क्योंकि हमें पता है बेबी बार बार गंदा करने वाला है, तो ये लंगोट लिए बहुत सारी। एंड उसके बाद में जैसे कि मैंने बोला हमने ली है, बट हम क्वालिटी में हैप्पी नहीं है, तो ये वाइट प्लेन भी हमने ली थी कुछ लंगोटे, बट ये हम शायद ही यूज़ करेंगे इमरजेंसी के लिए, बाकी तो हमने जो सिलवानी है वो यूज़ करना है। ओके, सैम्पल प्रोडक्ट आ गया फाइनली। देखो इस तरह से बच्चा बांधने का कपड़ा होता है, राइट, एंड उस पर ऐसे लेस लगेगी। इसको हम पंजाबी में फीता बोलते हैं। ये इनकी ये लेस है जो एम्ब्रॉयडरी की हुई है, एकदम सॉफ्ट मटेरियल रहता है तो बेबी भी कंफर्टेबल रहता है। एंड बाय द वे ये चादर मेरे बचपन की, इसमें मुझे बांधा जाता था। तो इस तरह की लेस उन सब में लगने वाली है एंड वो रेडी हो जाएगा। उसके बाद में फिर से हाउजरी मटेरियल के हमारे झबले इस तरह से छोटे छोटे। एंड अभी एक बात बताओ, हमने तो छोटे छोटे साइज लिया है, लास्ट सोनोग्राफी में आया कि बेबी इज़ हेल्दी एंड पंजाबी बेबी तो हेल्दी होगा ही, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग की है तो साइज़ का तो आपको पता है जल्दी से पता नहीं चलता है। तो ये शायद 2 मंथ्स में ही उसको आना ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। छोटे छोटे है ये, बहुत छोटा साइज़ है एंड बेबी हमारा हेल्दी है ऐसा डॉक्टर ने बोला है। तो हमें जल्दी से इसको पिना के फिनिश करना है, न्यू कपड़े खरीदने हैं। तो ये भी है येलो कलर, पीच कलर, पिंक कलर एंड ब्लू कलर, तो ये भी 4 है हमारे।
बेबी के झबले बोलते हैं हम इसे, एंड मटेरियल बहुत अच्छा है गाइस। एंड यस, हमने जैसे कि ये हाउजरी का था वैसे ही हाउजरी में हमारे पास और दो है जो बहुत ही क्यूट प्रिंट के साथ है, स्ट्रॉबेरी बनी है, इसमें भी स्ट्रॉबेरी बनी है, ये दो है हमारे पास। इसका मटेरियल उससे भी ज़्यादा अच्छा है एंड ये दोनों हमने ऑफलाइन परचेज किया है। क्यूट ना? तो यस, इसमें बटन्स है, आगे बटन्स है, उसमें बटन्स नहीं था, वो फुल था। एंड उसके बाद हाउजरी होने के बाद हमारे पास कॉटन के दो झबले हैं जो है एम्ब्रॉयडरी किए हुए। ये है एक येलो कलर बॉर्डर के साथ एम्ब्रॉयडरी वाला कॉटन का झबला, इसमें भी आगे सारे बटन्स हैं। एंड एक है ब्लू कलर का, इसमें भी बटन्स हैं, एम्ब्रॉयडरी की हुई है, बहुत ही प्यारा है ये भी। एंड यस, मेरे पास और दो है हाउजरी के झबले, एकदम सिंपल ब्लू कलर का, इसमें बटन्स, हाँ इसमें भी बटन्स हैं। एंड उसके बाद में पीच कलर का, इसमें भी बटन्स हैं, बहुत अच्छा मटीरियल है। एंड ये हो गए हमारे झबले। उसके बाद में हमने ली है दो टोपी, एक येलो कलर और एक पीच कलर। ये हमें ज़्यादा अच्छी मिली नहीं, हमें ये दो ही बेसिक, ये ऑनलाइन ली है तो यही दो ली है, ये लेना बाकी है। अगर लड़की होगी तो सोच रही हूँ लेस वगैरह वाली होती है ना, ब्यूटीफुल सी लूँगी, इसलिए थोड़ा सा स्टॉक है बेसिक के, दिन दो तीन दिन तो निकलेंगे राइट, उसके हिसाब से मैं बाद में परचेस करूँगी। सबसे ज़्यादा क्यूट चीज़ ये है बेबी का हैंड सॉक्स एंड लेग सॉक्स, जो हैंड सॉक्स मम्मी मुझे बहुत दिन से बोल रही है वो ग्लव्स है, पर वो ग्लव्स नहीं है, उसमें फिंगर्स नहीं है, तो मैं उसको सॉक्स बोलती हूँ, तो समझ जाओ। उसमें है पीच कलर, पिंक कलर, येलो कलर एंड ब्लू कलर। मैं आपको एक खोल के दिखाती हूँ, मैं सब नहीं खोलूँगी। बहुत क्यूट एंड मटीरियल हाउजरी एंड बहुत ही कम्फर्टेबल रहेगा। ये देखो, ये उसके हाथों के लिए, मेरी फिंगर भी नहीं जा रही है इसमें और मेरे बेबी का पूरा हाथ जाएगा इसमें। इसमें म्यूजिक का साइन बना हुआ है। ये है उसके दोनों हाथों के लिए, पाउच जैसा दिख रहा है। एंड दो सॉक्स लेग्स के लिए, बहुत ही क्यूट है, छोटा छोटा, हमारे तो दो उंगलियां भी नहीं जा रही है, उसके लेग्स इसमें आएंगे, फीट हाँ। तो यस, मैंने ये शॉपिंग की है। अभी गर्ल बेबी हो या बॉय बेबी हो, उसके हिसाब से हम फ्रॉक्स खरीदेंगे, उसके हिसाब से हम निक्कर विक्कर खरीदेंगे। तो लेट सी बाबा जी हमें किसके साथ ब्लेस करते हैं। हम दिल से बेबी गर्ल के लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि मेरी बुआ के यहाँ पे एक भी बेबी गर्ल नहीं है, तो बुआ के यहाँ पे एक बेबी भी हो जाएगी, मतलब बेबी गर्ल भी आ जाएगी। एंड वैसे भी हम लोग गर्ल चाइल्ड के लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी है, तो प्रे करते हैं, बट जो भी होगा हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। आप देख ही रहे हो, इतनी सारी मैंने शॉपिंग की हुई है कि बस, मतलब बाबा जी कृपा से सब जल्दी जल्दी एंड टाइम से अच्छे से हो जाए, हम यही चाहते हैं। रितु फैम के साथ मैं ये मेरे ब्यूटीफुल मोमेंट शेयर करना चाहती थी आपके साथ। शेयर करने से ज़्यादा मुझे ये था कि मेरा जो बेबी होने के बाद, बड़ा होने के बाद वो देखेगा तो उसको पता चलना चाहिए कि हम कितने ज़्यादा एक्साइटेड थे। ये एक मेमरी की तरह यूट्यूब पर हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। तो यस गाइस, जब तक आप ये वीडियो देख रहे रहोगे हमारे घर पे गुड न्यूज आ चुकी होगी। उसके लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करते तो आपको पता ही है बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, नीचे कमेंट करना अगर आप ऑलरेडी जानते हो। तो दैट्स इट, बाय गाइस, टेक केयर, आई लव यू ऑल, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। होने वाली बुआ बहुत ज्यादा खुश है, वो चाहती है आप सब लोग मेरे बेबी के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। लव यू।